हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली सोजत सोजत रोड में लंपी गौवंश बीमारी के निवारण हेतु औषधि के लड्डू तैयार कर हर रोज 400 लड्डू गायों को खिलाया जा रहा है। सोजत रोड में लंपी बीमारी से पीड़ित गायों की सेवा में जुटा है गौ सेवा समिति के सदस्य राजेश गुंदेचा ने बताया कि लंपी से गौवंश जो बीमार या इसकी जो बीमारी से पीड़ित है उन गौवंश को भामाशाह के सहयोग से काली मिर्ची, सरसों का तेल, हल्दी, अजवाइन, सेंधा नमक, गुड़ के लड्डू बनाकर हर रोज करीब 400 बेसहारा व घरेलू गौवंश को लड्डू बनाकर हर रोज खिलाना व लंपी गौवंश बीमारी से पीड़ित को टेंट लगाकर चारे पाने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि कोई भी भामाशाह इस कार्य में अगर अपना सहयोग करना चाहता है तो गौ सेवा समिति को सहयोग कर सकता है। इस गौ सेवा समिति में राजेश गुंदेचा, अनिल कुमार व्यास, लक्ष्मीकांत भाटी, प्रकाश पालरिया, राधे जाट, किशन हरियाल, बंशी लाल, रवि राज, विकास वैष्णव, चमन बबनानी, अजय टाक, युधिष्ठिर, पंकज पंचारिया, पतिया देवी द्वारा औषधि के लड्डू तैयार कर गौवंश को खिलाया जा रहा है। वही का पूर्ण रूप से गौ सेवा समिति को सहयोग मिल रहा है। वहीं प्रकाश पालरिया की तरफ से गौ सेवा समिति को औषधि के लड्डू बनाने के लिए 11,000 रुपए की राशि भेंट की गई। वो गौवंश के लिए एक टोली हरा चारा देने की घोषणा की। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राजेश गुंदेचा इन्होंने ये कहा, सर ये गौ सेवा समिति की तरफ से जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में, तकरीबन 400 लाड्डू रोज बन रहे हैं गायों के औषधि वाले लाड्डू और इन गायों को दिया जा रहा है और जो भी इस बीमारी से ग्रसित है उन गायों को यहाँ लाके एक जगह शामिल की जा रही है और उनका डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है और जिन्होंने मेरा सहयोग दिया उन सबका धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवा के भी सहयोग दे तो इनका काम अपने पूरा हो सके। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।